हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम खंड ग और खंड ग जो हमारी पेपर स्टाइल के मुताबिक देखेंगे। खंड ग जो है वह हमारा साहित्य का है, मतलब कि हमारी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर है इसका है। तो खंड ग प्रश्न 3 और इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वह है आशय स्पष्ट करो, जिसमें लिखा है रस उडेलकर गा लेती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे छोटी चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। इस तरह आप ये पंक्ति का आशय स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, प्रमुख फल के नाम बताइए। तो इसके आंसर आपको किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि लेखिका रात में सोते समय चॉकलेट मजा लेकर खाती थी, इसके अतिरिक्त उसे चेस्टनट, चना, चोगरम और अनार दाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। फलों में शिमला के खट्टे मीठे फल, रसभरी कसलम भी उसे खूब पसंद थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन जो है वह है अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनियों के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखिए। तो इसका आंसर है अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जाता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा ही हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ भी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, ये जो है खंड ग उसमें क्वेश्चन आंसर इस प्रकार पूछे जाएंगे। आपको इसके आंसर जो है वो अच्छी तरह समझ के लिखने हैं। फिर जो ब है वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पूरक पाठ्य पुस्तक में से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और टेक्स्ट बुक जो है हमारी वसंत उसमें से भी पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है ऐसे ऐसे पाठ के लेखक का नाम बताइए। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार लेखक लेखिका के नाम भी इस पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो भी हमारे पाठ्यक्रम में पाठ है उसके लेखक के नाम अच्छी तरह रीड करके रखना है। तो ऐसे ऐसे पाठ के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर जी, तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है छोटू को पीटने से किसे बचाया। छोटू को पीटने से उसके पापा ने बचाया। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन हो गए जिसके आपके आंसर लिखना है। और खंड
जो है वह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चन है। तो हमारे पूरक पाठ्य पुस्तक में स्टूडेंट आपको जो पाठ दिए गए हैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। स्टूडेंट आपको पता है हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक जब भी जो भी पाठ समझाया है उसके नीचे कुछ क्वेश्चन भी आपको बताए गए हैं। तो इस प्रकार लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे वो आपको लिखने हैं। इसमें इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, महर्षि विश्वामित्र अपना क्रोध क्यों नहीं प्रकट कर रहे थे? तो इसका आंसर है, क्रोध करने से यज्ञ के खंडित होने और अनुष्ठान भंग होने का भय था, इसलिए महर्षि विश्वामित्र क्रोध प्रकट नहीं कर सके। ये जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह रीड करने हैं। फिर क्वेश्चन है, मारीच क्यों क्रोधित था? तो राम ने मारीच की मां तारका का वध किया था इसलिए क्रोधित था। इस प्रकार जो खंड ग में क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वह हमारी पूर्व पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। फिर आगे देखते हैं खंड घ की ओर, जो प्रश्न चार है उसमें लिखा है, निम्नलिखित विषय पे अनुच्छेद लिखिए। तो स्टूडेंट ये अनुच्छेद जो है वह किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको समझाती हूँ। अनुच्छेद एक क्या है? तो अनुच्छेद जो है वह एक पैराग्राफ है, किसी भी विचार अथवा भाव को व्यक्त करने हेतु सुगठित वाक्य समूह को अनुच्छेद के नाम से पुकारा जाता है। इसमें सभी वाक्य सार्थक होते हैं, एक ही पैराग्राफ में अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। लगभग 80 से 100 शब्दों में ये पैराग्राफ हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो दो टॉपिक दिए हैं, श्रम और वाणी की मधुरता। तो श्रम जो है, किसी एक विषय पे अनुच्छेद लिखना है इसलिए मैं टॉपिक चुनती हूँ जो श्रम है उसके बारे में आपको 80 से 100 शब्दों में सुनाऊंगी। भारत देश के शिक्षित युवा वर्ग की बेकारी का सबसे बड़ा कारण है श्रम से परहेज करना। युवा वर्ग यह नहीं सोचता कि परिश्रम का फल कितना आनंददायक होता है। ईसा मसीह तक ने लोगों को यह संदेश दिया है कि कठोर परिश्रम के बाद शरीर को सुख मिलता है और मन को संतोष। भारत में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। लोगों ने यह मान लिया है कि जो परिश्रम करता है उसका समाज में निम्न स्थान है। बिना परिश्रम के जो व्यक्ति धन कमाते हैं वे विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं। वही समाज स्वस्थ एवं सुखी होता है जो परिश्रम को पूज्य तथा सम्मान की दृष्टि से देखता है। स्वस्थ और सुखमय जीवन का रहस्य श्रम ही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपको अनुच्छेद लिखना है। फिर जो ब है वह है परीक्षा का परिणाम बताते हुए अपने माताजी को पत्र लिखिए। तो इसमें आपको किस प्रकार लिखना है, जो विषय वस्तु है वो ही मैं आपको बताऊंगी, बाकी एड्रेस जो सब है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आदरणीय माताजी, चरण स्पर्श, आज मेरा परीक्षा फल घोषित हुआ है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे दो विषयों में 90 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे कुल 89% अंक प्राप्त हुए हैं। शिक्षक गण मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।
उन्हें आशा है कि मैं भविष्य में ऐसी ही उन्नति करूँगा। यह सब आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद का फल है। अपने स्वास्थ्य के विषय में सूचना देते हुए मैं अवश्य पत्र लिखूंगा और आप भी लिखिएगा। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श। आपका प्रिय पुत्र। इस प्रकार विषय वस्तु आप लिख सकते हैं। बाकी आप जो एड्रेस हो वो मैंने आपको आगे के लेक्चर में बताया है किस प्रकार आपको पत्र लेखन करना है। क है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पे निबंध लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने दो टॉपिक दिए हैं, स्त्री शिक्षा और एकता में बल। तो स्टूडेंट आपको अच्छी तरह एक टॉपिक समझना है और लिखना है। निबंध लेखन जो है वो स्पष्ट भाषा सजीव तथा सरस होती है। निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है। निबंध पढ़कर व्यक्तित्व के जानने में सहायता मिलती है। तो स्टूडेंट ये निबंध आपको अच्छी तरह सोच समझ के लिखना है। फिर ड है चित्र वर्णन। स्टूडेंट आपको यहाँ पे कोई भी एक चित्र दिया होगा, वो चित्र देखना है आपको और उसके ऊपर 7 से 8 सेंटेंस आपको लिखने हैं। अच्छी तरह चित्र देखिए और चित्र क्या कहना चाहता है, चित्र में आपको क्या दिखाई दिया है, वो सब आप अच्छे भाषा में लिखिए। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे खंड ग और खंड घ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।